Virmani Sikha Pading Smadhyami Musa Vada Virmani Sikha Pading Smadhyami Jai Bhim Namo Buddha Sathiyo मुझे तो आज सबसे ज्यादा मुझे आज खुशी इस बात की है कि आज पहली बार मैंने 210 लोग 212 लोग मैंने मीटिंग में ज्वाइन किए देखे और मैं सुधीर जी का और सुधीर जी की टीम सारी टीम का जिसमें मेन एंड वुमेन लेडीज एंड जेंट्स दोनों हैं तो मैं सभी का बहुत स्वागत करता हूं कि ये जो प्रयास आप लोगों ने सिर्फ 8 महीने में चालू किया वो कैसे छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत से आज सवाल भी खड़े हुए हैं क्योंकि समय नहीं है मैं उनके जवाब भी देना चाहिए। एक तो कास्ट का सवाल आया था, एक मेरा ख्याल है हरियाणा से पंचकुला से चंडीगढ़ से आया था कि भाई हमें एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए ताकि लोगों को जोड़ने का उनका शायद मेरा ये मुझे जो मुझे समझ में आया उनका ये था कि भी शायद हमें कोई ऐसी संस्था बना के कमेटी बना के उनके अहदेदार भी बनाने चाहिए। हम डेली इसका इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि भाई संघ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, संघ में संविधान ही हमारा जो सर्वोत्तम प्रेजिडेंट कह लो या कुछ भी कह लो होगा, तो इसके बाद भी लोग बार बार इसी सवाल पे आके अटक जाते हैं। मैं चाहता हूं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन समय हो गया इसलिए मैं आज नहीं कहते हुए फिर कभी इसके ऊपर बात करूंगा। आज मैं सिर्फ इसी चीज पे आपको अपने आप को सीमित करता हूं कि जो जो मैंने भी आज से 7-8 महीने पहले जब चालू किया था तो मुझे भी नहीं ये उम्मीद थी कि हम इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोग्रेस कर लेंगे। इसके सभी साथी जो जिन जिन लोगों ने भी प्रयास किया है वो सारे सारे इसके बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई से इंटरनेशनल लोगों से मैं की तरफ से मैं सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस रफ्तार से आज तक हम चलते आए इससे दुगनी रफ्तार से हम इससे भी आगे चलेंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, मैं आपसे ना एक प्रश्न का जवाब जानना चाह रहा था। दरअसल क्या है कि आप इतनी दूर से आते थे, साल में 8-8 बार इतना पैसा खर्च होता था आने जाने में। देखो हम तो एक बार इंग्लैंड जाने के लिए 3 बार सोचते हैं कि कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, और फिर आपने सभी को बहुत जबरदस्त मदद की है। फिर यहाँ होटल में रुकना, फिर सारे शहरों में बाइक दौड़ना, रहना, खाना पीना। फिर आप शरीर से भी उम्र दराज हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि 30-35 साल के हैं। तो मैं थोड़ा सा 10-20-30 मिनट आप लें क्योंकि जब तक यहाँ 100 लोग जाते तब तक तो लोगों की इच्छा है। थोड़ा बताएं कि हमारा जो पैसा वेस्ट हुआ, मतलब जो पैसा आपने खर्च किया वो भी हमारा ही है, समाज का ही है, तो वो नहीं हुआ तो उसके लिए कैसा कैसा आपने सीन देखे, कहाँ कहाँ देखा, ताकि लोग समझ जाए थोड़े से। आज ये प्रश्न थोड़ा शुरू से ही आ गया हमारे पास। नहीं नहीं, सही बात है सुधीर जी, इनका अनुभव हमारे लिए अनुकरणीय होगा। जी आदरणीय, बताइए भाई साहब। देखिए, मैं पहले भी बहुत बार ये बात कही है, आज मैं फिर दोहरा देता हूं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को लोग कहते तो सभी हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे मसीहा है। मैं सही मानों में बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 5% पे बैक टू द सोसाइटी करना है, लेकिन मैंने मेरे अपने जीवन में मेरा ख्याल 40-50% डोनेट किया होगा और उससे मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। और जितना मैं बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर खर्चा करता गया उतना ही मेरे अंदर ये चेतना भी बढ़ती गई कि कितना कुछ और करने को है। जब मैं पहली बार जहां आया था तो लोग हमारे बहुत कम होते थे, तो कोई जब हम इकट्ठे होते थे छुट्टी के दिन पे तो कोई जाति का कोई मतलब धर्म का कोई भी नहीं, सारे स्टूडेंट इकट्ठे होके बस एक ही जगह खा लेते थे, एक ही जगह पका लेते थे। तो मुझे लग रहा था कि भाई अगर प्रयास किया जाए तो शायद एक ऐसा भी समाज हम बना सकते हैं, खास करके जो NRIs हैं वो बना सकते हैं।
इतने में बाबा साहब अम्बेडकर की सेंटनरी आ गई, तो सेंटनरी में भी मुझे ये काम करने का मौका मिला। जब सेंटनरी आई थी तो उसी जब मुझे उसका एक सदस्य चुना गया 5 लोगों की कमिटी का, तो भगवान दास जी आए हुए थे जहां, और भगवान दास जी से मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं कहाँ इसको निभा नहीं पाऊंगा। तो भगवान दास जी ने मुझे कहा कि अगर आपको बाबा साहब ने इस स्टेज पे पहुंचाया है, अगर आप इसमें समय नहीं देंगे, आप इसमें योगदान नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके जिसको बाबा साहब की कोई समझ नहीं। तो इस चीज ने मुझे इस चीज में पुश कर दिया कि यस, बाबा साहब की सेंटरी में मुझे बहुत काम करना है। और मैंने कम से कम, मेरा ख्याल है 1988 से लेकर 1992 तक 5 साल जो काम किया, हमने चुन चुन के सारी दुनिया में जहां भी हमारे लोग बैठे थे उनको कांटेक्ट किया, उनकी एक डायरेक्टरी बनाई, और चार हमने बड़े बड़े मैगजीन सोवनियर निकाले जिसमें वो सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। मैं जब आऊंगा तो सुधीर जी को लिए लेके आऊंगा। अब मुझे पता नहीं कि इतना समय गुजर जाने के बाद उनमें से कितने अभी एक्टिव होंगे, कितने इनएक्टिव हो गए होंगे। लेकिन ये जो मेरे अंदर जो ये एक तमन्ना थी कि मैंने बाबा साहब का ऋण मेरे ऊपर इतना है, क्योंकि जब मैं अपने माँ बाप की दुर्दशा देखता और जब मैं आज अपनी दशा देखता हूँ, तो मुझे एक मेरी काया उल्टी पुल्टी हो जाती है कि ये कैसे हो गया। तो जब मैं बाबा साहब को जैसे जैसे मैंने पढ़ा, तो मुझे ये पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो गई कि यस, ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ना बनाते, उस संविधान में हमें बी द पीपल पहली बार अगर वो इंसानों की कड़ी में ना खड़े करते, तो ना मैं इंसान बनता, ना मैं भारत का सिटीजन बनता, और ना ही मैं सिटीजन के बलबूते पे पासपोर्ट लेता, उस पर वीजा लेकर मैं विदेश में आता और 200 कंट्रियों में मैं घूमता फिरता, और ना ही मैं इंटरनेशनल बाबा साहब के प्रति ये काम कर पाता। तो जब मैं ये काम कर रहा था, तो उसमें मेरा ख्याल 1994 में मेरी मुलाकात हुई अपने माननीय राष्ट्रपति के आर नारायणा जी से, क्योंकि उनका हमने एक पुतला लगाया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। 2 ही पुतले हैं अपने भारतीयों के, एक बाबा साहब अम्बेडकर का है और दूसरा के आर नारायणा जी का है। तो जब वो जो इंडियन एम्बेसडर था, उसने मुझे जे कहा कि भाई मेरे पास वो के आर नारायणा को लेकर आए और उनको कहा कि भाई ये एक सेंटेनरी जहाँ कमेटी थी, जिस कमेटी ने बहुत प्रयास करके आपका जो पुतला है, वो ना पुतला ना आपका जो पोर्ट्रेट है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगाया है। दूसरा, जब ये सेंटेनरी काम कर रही थी तो सबसे ज्यादा जोर इस चीज पे सेंटेनरी कमेटी यूके ने लगाया था कि एक दलित को हमारे राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो आज अगर आप राष्ट्रपति की उपाधि पे चले गए हैं, तो उसमें इस कमेटी का बड़ा, बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे वो मेरे पास आए और उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर कम से कम 10-15 मिनट मेरे साथ बात करी और पूछा कि कितने हमारे लोग हैं, क्या करते हैं, वो बाबा साहब को कैसे याद करते हैं। तो मैंने बहुत सी चीजें उनको बताई और उन्होंने मुझे एक हदायत दी कि आप लोगों को एक बाबा साहब की जो सपना पूरा करने के लिए ये करना होगा कि अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देनी होगी। बाबा साहब तो भारत से वजीफे पे लोगों को भेजना चाहते थे जहां आकर पढ़ें और सीखें, तो अपने बच्चों को भी सिखाना होगा कि बाबा साहब कैसे और क्या चाहते थे। और उन्होंने एक मुझे और हदायत दी कि भाई मैं चाहता हूं कि आप भारत में आकर
भी ऐसा काम करो जो भारत के लोगों के बीच में जागृति लाने का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 1994 से मेरा जो रुख था वो भारत की तरफ हो गया। सॉरी, उसके बाद में 2000 में मेरी मुलाकात अपने वामशेफ वालों से हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे लगा कि भाई वामशेफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं अगर सपोर्ट कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन तो और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया, जिनके लिए मैंने चंदा भी उनको दिया, जो कुछ भी मैं कर सकता था उनके लिए किया, लेकिन वामशेफ में मुझे एक झलक दिखाई देती थी कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत उच्च उच्च पदों पे हैं, लेकिन अगर ये इकट्ठे होकर अपना पे बैक दी सोसाइटी की जो बात करते हैं, अपना टैलेंट दें, अपना पैसा दें, अपना समय दें, तो बहुत जल्दी हम इकट्ठे होके अपनी जो खुशी हुई विरासत है, जिसको जैसे हम लोग कहते हैं कि हम कभी भारत के राजा होते थे, और बाबा साहब भी कहते थे जाओ अपनी घरों की दीवारों पे लिखो कि तुम कल के दास थे, आने वाले कल के समय के तुम शासक होगे। तब तो हमारी दीवारें भी नहीं थी, अब तो हमारी दीवारें हैं तो हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने वामशेफ को दिल खोल कर कोई 20-22 साल सहयोग भी दिया, जहां जहां जिस स्टेट में भी उन्होंने मुझे बुलाया मैं वहां उस स्टेट में भी गया, उनके साथ सहयोग भी दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट किया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई तो एक टसल वामशेफ के बीच में चालू हो गई कि भाई इसको अब इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, किसको ज्यादा बाहर ज्यादा बुलाया जाएगा, किसको कम बुलाया जाएगा। तो उसमें जो वामशेफ थी उसके थोड़े से होने शुरू हो गए, सेक्ट होने शुरू हो गए, डिवीजन शुरू हो गई। तो जो लोग मुझे शिक्षा दिया करते थे कि भाई हमने 6,743 जातियों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा संगठन बनाना है, वो खुद ही कई हिस्सों में बट गए। तो मैं काफी इस चीज से निराश हो गया और मैं एक ऐसे ही समझो कि आई स्टेप बैक फ्रॉम दिस, भाई ये संस्थान जो है, फिर वो कहते थे हम नॉन बुद्धिस्ट नॉन धार्मिक हैं और नॉन पॉलिटिकल हैं, और सभी आज पॉलिटिकल पार्टियों में भाग गए हैं। तो इससे मुझे बहुत धक्का लगा और मैं इनसे जरा पीछे हट गया। लेकिन फिर भी मैं बहुत से संगठन जो थे काम कर रहे हैं, जैसे एक आभास का संगठन है जो वाराणसी में है, और वो बहुत बड़े पैमाने पे बुद्ध धर्म पे भी काम कर रहे थे और बाबा साहब के प्रति भी काम कर रहे थे। मैंने 6-7 साल उनको भी बहुत बड़ा अच्छा उनको साथ सहयोग किया। अभी भी उनके कई प्रोजेक्ट हैं जो मैं जिनको एड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये लॉकडाउन की वजह से 3 साल से वापस आ नहीं पा रहा इंडिया में। लेकिन उसके साथ साथ जब मेरी मुलाकात 13 अप्रैल के जो हमारे शहीद हुए थे बच्चे, उनके प्रति एक मीटिंग रखी गई थी रामलीला ग्राउंड में, और उसमें मेरी मुलाकात फिर सुधीर जी से हुई। सुधीर जी वैसे मुझे पहले भी जानते थे। तो वहां हम बैठ कर हम एक जे इस चीज पे भी प्रयास किया कि ये जो संगठन है ये चल रहे हैं, जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं, एक फंक्शन करते हैं, उसके बाद सारे के सारे घरों में चले जाते हैं, तो इससे हमारा कोई भला नहीं हो रहा। तो उससे मुझे मैंने सुधीर जी से ये वादा किया था कि सुधीर जी आप जैसे भी करोगे मैं आपके साथ सहयोग करूंगा, आपका साथ रहूंगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद तो सुधीर जी भी चुपचाप रहे और मुझे यही कहते रहे कि तुम अपने जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसकी छोटी छोटी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते रहो, लोगों को पता चलता रहेगा। लेकिन मैं अपनी बिजनेस में भी एक्टिव था और इवन कोरोना के समय में भी अपनी बिजनेस में एक्टिव रहा, इसलिए मुझे बहुत समय नहीं मिला, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बना के डाल सका। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात मेरी बहुत से लोगों में चली गई है, तो लोग
अभी बहुत से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं हम, और सवाल जवाब करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, मैं उनको अपनी अपनी हिसाब से जो उनकी जो क्वेश्चंस है उनके जवाब देता रहता हूँ। लेकिन इसके बाद में जब सुधीर जी ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि भाई ये एक हम ऐसा बी द पीपल का एक ऐसा समन संघ बना रहे हैं, तो मैंने सुधीर जी से कहा जस मैं आपके बीच में आ जाता हूँ, मैं उसी दिन से ज्वाइन किया हूँ। और जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे इस संघ में जुड़ के हुई है और जो मुझे उम्मीद और एक आस नजर आ रही है कि भाई अगर मेरे आने वाले बच्चों का, क्योंकि मैं जो भारत में छोड़ा है वही बच्चों की मुझे चिंता है, जहाँ के बच्चों की तो मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं, क्योंकि जहाँ तो सुविधाएं यूके में तो इतनी हैं कि मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, कि अगर कोई संघ, अगर कोई संस्था, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप इसको नाम देना चाहो, अगर कोई हमारे बच्चों की दुर्दशा को रोक सकती है, अगर हमें जैसे सुधीर जी कहते हैं कि हमारे पीछे फिर झाड़ू ना आ जाए, हमारे गले में फिर मटका ना आ जाए, अगर उसको कोई रोक सकता है, तो ये वेरी क्लियरली मुझे दिखाई दिया कि केवल एंड केवल वो ये समन संघ ही रोक सकता है। इसलिए उसी दिन से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इंटरनेशनल लोग जो है, अभी एक सवाल आया था कि जाति का, इंटरनेशनल लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ लोग बुद्धिस्ट भी बने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कई बार ये सवाल खड़ा करता हूं तो उनको बहुत गुस्सा लगता है कि जो चमार बुद्धिस्ट बना वो बुद्धिस्ट भी बना चमार भी रहा, इसलिए वो वाल्मीकि को अपने साथ नहीं ले पाया और वाल्मीकि को उसने अपने समाज में प्रवेश नहीं करने दिया। इसका बहुत बड़ा दुख जो है मैंने झेला भी है। और जो वाल्मीकि बना वो वाल्मीकि बन के रह गया, वो ना वाल्मीकि का रहा ना वो तो उसमें एक समाज का जो हम सोच रहे थे कि बुद्ध धर्म में जाकर एक बहुत बड़े समाज की हम रचना करेंगे, क्योंकि जहां तो कास्ट की कोई जरूरत नहीं थी, विदेशों में तो आपको ना तो जॉब कास्ट के बलबूते पे मिलती है और ना आपकी उन्नति कास्ट के बलबूते पे होती है, वहां तो जहां तो सब टैलेंट के हिसाब से, अगर आपके बीच में टैलेंट है, आपका रंग रूप क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ से आए हैं, इसकी कोई नहीं पूछता। इसीलिए आज आप देखेंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन, अगर दो मैं मिसालें देता हूँ, और कनाडा, इनमें बहुत बड़े पैमाने पे जो भारत के लोग हैं वो पार्लियामेंट में भी घुसे हुए हैं, बहुत बहुत अच्छी पोस्टों में भी घुसे हुए हैं, जहां तो हमारे जजेस भी हैं यूके में। तो ये सब इसीलिए हो रहा है, लेकिन एक चीज बहुत बड़े पैमाने पे जड़ पकड़ी हुई है, वो है कास्ट, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, हमें इकट्ठे नहीं होने दे रही। और इसीलिए मुझे आज अब उम्मीद लग रही है कि अगर वी द पीपल के लोग जो इतने एक्सपर्ट हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत माहर हैं और साहित्य के बहुत माहर हैं, वो हमें कोई ना कोई रास्ता बताएंगे कि ये कास्ट के जे कलंक से, जो कास्ट के जे खड्डे से हम कैसे निकल पाए और कैसे एक नए समाज की रचना कर पाए। जितना आप पंजाब के, जहाँ मतलब भारत के लोगों के आने वाले फ्यूचर और उनके बच्चों के लिए चिंतित हैं, इतना ही मैं चिंतित अपने जो इंटरनेशनली लोग मेरे बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन किए हुए हैं, उनके लिए चिंता कर रहा हूं कि आने वाले समय में इनके बच्चों का क्या होगा, क्या इनके बच्चे भी कास्ट को मानेंगे, क्या इनके इनके बच्चे भी उसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेंगे जहां ये अपनी अपनी कास्ट के मंदिर बना के बैठे हैं। ये मेरी चिंताएं हैं कुछ, जिनके बलबूते पे मैं इस बी द पीपल के संघ से जुड़ा हूं और इसका एक हिस्सा हूं। दिन रात इसके बारे में सोचता रहता हूं, जब भी मुझे समय मिलता है मैं इनके साथ जुड़ता हूं, इनकी बातें और आप लोगों के जो विचार हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मुझे मेरे लिए एक ऑक्सीजन का काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि
बहुत से अब संगठन देख लिए हैं, अब और कुछ नहीं है, बाकी एक ही संगठन बचा है वो बी द पीपल, इसी में मैं जीऊंगा, इसी में मैं मरूंगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक बेल बेल सर जी, आपने मेन मेन पॉइंट जो है ना सारा कुछ बता दिया, लेकिन सुधीर सर ने ये पूछा था कि इतने टाइम से इतने संगठनों को या वाम सेफ से जहां जा भी रहे इतने सालों में आपने खूब पैसे दिए, कितने क्या दिए, मतलब ये कुछ कितना उससे बेनिफिट मिला नहीं मिला, तो गोपनीय बातें हैं, गोपनीय बातें हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए सत्य प्रकाश जी, मैं एक बात आपको कहूं कि जब मैं सेंटनरी में भी काम करता था, कितना हमने लिटरेचर प्रिंट किया, कितने हमने जो सुबनिय निकाले उन पे कितना खर्चा आया, कितना मैंने किया, किसी ने कितना किया मैंने कभी पूछा नहीं, मैंने कितना खर्चा किया मैंने किसी को बताया नहीं। बैल साहब अकाउंट नहीं पूछ रहे, नहीं नहीं अकाउंट नहीं पूछ रहे, वो भावना पूछ रहे, मतलब वो नुकसान पूछ रहे जो सामाजिक हो रहा है, क्योंकि सभी लोगों ने पैसा दिया है, तो आपके साइड से उन लोगों के हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि भाई पैसा देने से हम कितने और पीछे आ गए। दरअसल पैसा दे के संगठनों को उनको मजबूत करके आगे बढ़ना चाहिए था, मगर पैसा दे के कहां पहुंच गए वो पूछना था। वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर मैं उनके साथ मिलकर आगे बढ़ता होता तो फिर उनको छोड़कर आपके बीच में क्यों नहीं क्यों आता, ये तो एक सवाल है। दूसरा ये है कि मैंने बाबा साहब के ऊपर जो कुछ भी आज तक किया भारत में जहां विदेशों में, वो जे सोच के नहीं किया कि मेरे मुझे कोई इससे शाबाशी मिलेगी, मुझे कोई कल को अकाउंट दूंगा तो मुझे कोई ये कहेगा, इसलिए नहीं किया। मैं चाहता था करना, मैं पे बैक टू सोसाइटी नहीं, पे बैक टू बाबा साहब भी करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारा कुछ किया। लेकिन जे मैं एडमिट करता हूं आज कि जो उम्मीद लगाई थी मैंने बहुत से संगठनों से और उनको बैकअप किया था, वो उम्मीद मेरी पूरी नहीं हुई। मैं समझता था कि भाई 15-20 साल में हम एक बहुत बड़ा संगठन बन जाएंगे, एक नए समाज की रचना करेंगे, एक नए धर्म में आ जाएंगे और हमें कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। वो आज मैं जो देखता हूँ कि आज भारत में जो हालात है उसको देखकर मैं बहुत दुखी होता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए आपके संग में आया हूँ। देखो हम मिलजुल के शायद उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बैल साहब, बैल सर कट के बोल रहा हूँ, आपने ये कहने की भी जरूरत नहीं कि हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि हर जनरेशन नई आशा लेके पैदा होती है, तो हमने अभी आशा छोड़ी नहीं है और आने वाली पीढ़ी हमारे लिए बहुत कुछ करेगी अगर हम अपने जुड़ते रहेंगे। तो पीपल में बहुत क्षमता है, हम लगाव के साथ अगर जुड़ते हैं तो बहुत कुछ होने वाला है सर, कोई बात नहीं है। कटके सर जी, मैं ये नहीं कहता कि मैं निराश हूँ, मैंने निराश नहीं शब्द यूज की था, मैं ये कहा कि मैं दुखी हूँ। हाँ, दुखी होना और निराश होना, अगर मैं निराश हो जाता तो आपको भी छोड़ के घर बैठ जाता। बाबा साहब ने भी आगरा में पढ़े लिखे लोगों के बारे में बोला था कि जो मैं इसलिए बता रहा हूँ सर कि आपको देख के यहाँ पर जो जितने लोग उपस्थित होते हैं, आप बुजुर्गों का एक शब्द भी उनके लिए बहुत कुछ प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। नहीं, आप देखिए ना कि जब बाबा साहब ने ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तब तो विदेशों में जाने की कोई ऐसी सुविधाएं अवेलेबल नहीं। बाबा साहब ने उन पढ़े लिखे लोगों को कहा था कि जो लोग सही में बेईमान होते हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए,
या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Single.